दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। जिला सिरमौर के दूर दराज क्षेत्र रोनहाट से रासत मानल क्लोन तांदियो रोड पिछले 18 दिनों से बंद पड़ा है। भारी बारिश के कारण मार्ग बंद होने से इस रोड में लगभग आधा दर्जन पंचायतों के हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस मार्ग में 3 बसें आती हैं जो गत 18 दिनों से नहीं आ रही हैं और ग्रामीणों का लाखों का टमाटर खेतों में बर्बाद जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से आज इस मार्ग के बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया, बीते 12 जुलाई से 28 जुलाई तक करीब 16 दिन का समय बीत चुका है। हालत ये है कि अब स्थानीय लोगों को घर बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रस्ट मानल कलोना तांदियो रोड है और इस रोड की अगर हम बात करें तो ये पहली बारिश जब 12 तारीख को हुई थी और आज 30 तारीख होते हैं तो ये रोड 18 दिन तक बंद थी। वैसे सरकार एक तरफ से बरसात के लिए रोड को खोलने के लिए बजट का काफ़ी वो समाधान करती है, काफ़ी बजट देती है और यहाँ तक कि अगर लोक निर्माण की हम बात करें तो इनकी लापरवाही से 18 दिन तक ये रोड भी नहीं खुली है। रोड खुलना तो दूर की बात पर यहाँ हमारे ग्रामीण के जो ये मकान है जो आपको सामने दिख रहे हैं, इन मकानों को बचाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इस रोड में 3 बसों की आवाजाही है वो पूरी तरह से ठप है और हमारे किसानों की जो फसल टमाटर की है वो भी अभी खेतों में सड़के बर्बाद हो गई है। लाखों का जो नुकसान हुआ है और यहाँ तक कि तांदियो जो आगे गांव पड़ता है वहां से इस पॉइंट तक 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है और आज एक पेशेंट भी हमने उठा के लाया है। यहां पे एक छोटी गाड़ी भी नहीं आ पाती है, रोड के इतने बुरे हाल है और 18 दिन की लापरवाही पूरे लोक निर्माण विभाग रोनहाट की है। और हम आज एक सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को अगर सरकार तक पहुँचे तो लोक निर्माण विभाग के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए और इस रोड को शीघ्र अतिशीघ्र सुचारू ढंग से चलाने की कृपा करें ताकि बसों की आवाजाही हो सके और गाड़ियां चले और ना कि किसानों की फसलें जो है वो खेतों में सड़के बर्बाद ना हो। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सूरत पुंडीर की रिपोर्ट।